हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी क्या होता है। इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और इसका एग्जाम कब होता है, इसके एग्जाम की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और इसके लिए एज लिमिट क्या होती है। साथ ही एसएससी जीडी में सिलेक्ट होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस, साथ ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तथा स्टडी मटेरियल आप इसका फ्री में कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी है क्या। तो एसएससी जो एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एजेंसी है, एक संस्था है गवर्नमेंट की जो एग्जाम कराती है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए, जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं जैसे कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं, या फिर आईटीबीपी जिसको इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बोलते हैं, और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल है, एसएसएफ सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्सेस, राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल और सिपाही इन एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यहां पर जो है कांस्टेबल की पोस्टिंग के लिए जो है वैकेंसी निकाली जाती है और ये वैकेंसी एसएससी द्वारा निकाली जाती है जिसका नाम दिया गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन। इसमें जो लोग अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों को जो है बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी जो आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको कांस्टेबल की पोस्ट दी जाएगी। और इसमें अगर बात करें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th क्लास पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है एज, तो आपकी एज जो है 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें जो है एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 23 में 5 आपके ऐड हो जाएंगे तो 28 साल आपकी मैक्सिमम एज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आप जो है मैक्सिमम 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग एक्स सर्विसमैन है उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो उनकी भी एज जो है 26 साल मैक्सिमम है। इसके बाद चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट, तो जो 1984 में दंगे हुए थे उसमें जो विक्टिम थे या जो लोग मारे गए थे उनके बच्चे या फिर जो लोग उनपे डिपेंडेंट थे, अगर उसमें आप आते हैं, या फिर जो गुजरात में 2002 में दंगा हुआ था उसमें जो लोग अफेक्टेड थे उनके बच्चे जो लोग उनपे डिपेंडेंट है अगर वो लोग अप्लाई करेंगे, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट होंगे तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं पर जो एससी एसटी कैटेगरी में आएंगे उनको 10 साल का और जो ओबीसी है उनको जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो कि है आपकी सैलरी, जो सब पसंद करेंगे सुनना। तो जो नारकोटिक्स ब्यूरो में जाएंगे उनका बेसिक पे लेवल 1 का होगा, उनका बेसिक पे 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में होगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए कॉन्स्टेबल की आपका बेसिक पे जो है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में होगा पे लेवल 3। इसमें जो है बेसिक पे मतलब इतना तो आपको मिलेगा ही 21,700, ये आपका बेसिक पे है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा जो आपका एचआरए होता है, एचआरए आपको जो है 2,439 रुपये मिलेगा। और उसके बाद आपको जो है डीए मिलेगा, डीए आपका जो है 7,378 रुपये होगा। और ड्रेस अलाउंस आपको दिया जाएगा जो कि आपका 90 रुपया होगा, तो टोटल पे आपका जो बनेगा 33,965 रुपये बनेगा। इसके बाद इसमें से कुछ डिडक्शन होंगे जैसे कि आपका एनपीएस जीपीएफ जो है कंट्रीब्यूशन 10% आपका बेसिक प्लस डीए का, तो आपका टोटल 2,908 रुपये जो है ये डिडक्ट होगा एनपीएस का न्यू पेंशन स्कीम। उसके बाद ये आपका माइनस हो जाएगा, ईएनडी फंड में 20 रुपये कटेगा, सीबीएफ में 600 रुपये कटेगा, तो कुल मिला के आपका डिडक्शन जो हो जाएगा 3,658 रुपये हो जाएगा और टोटल सैलरी आपकी जो है 30,307 रुपये इनहैंड सैलरी आपको दी जाएगी। तो अगर आप कांस्टेबल के पद पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 30,307 रुपये होगी। तो आप लोग सिलेक्ट कैसे होंगे, तो बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की जिससे आपको और क्लियरिटी आए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो रैली के टाइम पे,
उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप रिव्यू करवाते हैं तो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपसे जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का होगा, मतलब 160 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। तो आगे बढ़े इससे पहले बता दें, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके प्रैक्टिस सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसके नोट्स जो है जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिटन एग्जाम हो गया, अब आप रिटन एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है फिजिकल देना होगा। सबसे पहले आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें जो है आपको दौड़ लगानी होगी। सबसे पहले अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा। वहीं पर मेल कैंडिडेट जो कि लद्दाख रीजन के हैं उनको 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट जो कि लद्दाख रीजन की हैं उनको 800 मीटर 4 मिनट में रनिंग पूरी करनी होगी। तो ये टाइमिंग है, आपको इसी के बीच में रनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो आप मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो लोग शेड्यूल ट्राइब हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, तो उनके मेल कैंडिडेट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 147.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया, जो आपके नक्सल प्रभावित एरिया होते हैं, यहाँ पर मेल कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर और 147.5 सेंटीमीटर, इतनी आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब में ही बात हो रही है। इसके बाद है गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा या फिर जो है यूनियन टेरिटरी या फिर असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर होना ही चाहिए कम से कम, फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर। लेकिन इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं पर 152.5 जो है आपकी फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। फिर आता है सीना, सीना केवल जो है मेल कैंडिडेट का मापा जाएगा, बिना फुलाए आपका सीना जो है 80 सेंटीमीटर होना ही चाहिए और मिनिमम जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पर बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की, तो बिना फुलाए आपका सीना 76 सेंटीमीटर, मिनिमम जो है आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। फिर जो गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा है या फिर जो यूनियन टेरिटरी असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, यहाँ के लोग इनका सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर, यानी कि इनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा और मिनिमम 5 सेंटीमीटर तो आपको सबको फुलाना ही है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हिलिंग एरिया है नॉर्दर्न स्टेट के जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर कैंडिडेट का सीना जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको जो है फुलाना ही होगा। इसके बाद एक चीज और आपको जाननी है कि पासिंग मार्क्स, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 30% नंबर आपको लाना ही होगा मिनिमम, लेकिन अगर आपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है तो 25% मिनिमम लाना होगा तभी पास होंगे ये रिटन एग्जाम में। उसके बाद बाकी कैटेगरियों की बात करें तो मिनिमम 20% आपके नंबर होने ही चाहिए, लेकिन आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट मिलेगी सी सर्टिफिकेट होने पे, लेकिन अगर आप बी सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपको 3% की छूट मिलेगी, वहीं पर ए सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपको जो है 2% की छूट मिलेगी या फिर 2% एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे अगर 10 नंबर है 100 नंबर का पेपर है, लेकिन रिटन एग्जाम आपका जैसे 160 नंबर का है तो 8 नंबर यानी कि सी सर्टिफिकेट पे आपको 8 नंबर मिलेंगे, अगर 10 पाते हैं तो आपके 8 ऐड हो जाएंगे, तो मेरिट में ये बहुत फायदा करेगा। तो जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड कर लें और इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके सिलेबस की पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ये वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।